रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। तेजस्वी ने अपनी हैसियत इतनी बढ़ा ली है कि वो लालू प्रसाद के फैसले को भी टाल सकते हैं। ऐसा ही एक फैसला तेजस्वी यादव ने लिया है जिसकी चर्चा जबरदस्त ढंग से राजनीतिक गलियारे में चल रही है। लालू प्रसाद की गलती से माना जा रहा था जिसे तेजस्वी यादव ने सुधार दिया है। अब तेजस्वी यादव की स्थिति ये हो गई है कि तेजस्वी यादव पार्टी में वन मैन आर्मी की तरह दिखने लगे हैं, जैसा कभी लालू प्रसाद हुआ करते थे कि उनके द्वारा कही गई बातों को पार्टी का कानून मान लिया जाता था। बिल्कुल उसी अंदाज में तेजस्वी यादव चल रहे हैं। आपको बता दें कि RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद अभी भी हैं, कार्यकारिणी की घोषणा भी उन्हीं के द्वारा की जाती है, पर कार्यकारिणी की घोषणा में लालू प्रसाद की का इन्फ्लुएंस कितना है इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव अपने लोगों को उसमें तरजीह दे रहे हैं। वहीं कई ऐसे नाम हैं जो लगातार चले आ रहे थे, उसे तेजस्वी यादव ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा ही एक नाम है जो आप सुन करके चौंक जरूर जाएंगे, क्योंकि पार्टी में उनका दबदबा और सब कुछ होने के बाद, लाख किरकिरी होने के बाद भी लालू प्रसाद उन्हें पार्टी फोरम से और पार्टी के पदाधिकारियों में से हटा नहीं पा रहे थे, पर तेजस्वी यादव ने यह फैसला कर लिया है। तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन को पार्टी के कार्यकारिणी की लिस्ट से बाहर कर दिया है, और यह फैसला निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने बहुत कड़े मन से लिया है। हालांकि शहाबुद्दीन पार्टी से बाहर किए रास्ता दिखाए गए हैं, पदाधिकारी की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, पर उनकी पत्नी हिना साहब को जगह दी गई है। आपको बता दें कि RJD की नई कार्यकारिणी में तेजस्वी से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस नजर आ रही है यह कार्यकारिणी। आपको बता दें कि करीबी समझे जाने वाले नेताओं को बड़ी जवाबदेही इस बार मिली है जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द हुआ करते हैं। पार्टी के विधायक सरजीत पासवान को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जबकि MLC रणविजय सिंह, जयप्रकाश नारायण यादव सरीखे नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। RJD विधायक ललित यादव को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं पूरी तरह से अब ये टीम लालू नहीं, टीम तेजस्वी नजर आएगी, जिसमें कार्यकारिणी में बुलो मंडल को भी जगह मिली है। तेजस्वी के करीबी समझे जाने वाले विजय प्रकाश, नवाज आलम जैसे लोग और आलोक मेहता जैसे लोगों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। इसके अलावे आपको बता दें कि और कई भी नाम हैं जो इसमें तेजस्वी यादव के द्वारा सुझाए गए हैं और रखे गए हैं। उदय नारायण चौधरी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। वहीं पूर्व मंत्री रमई राम को भी RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि शिवचंद्र राम, अख्तारुल इस्लाम शहीन, राजेंद्र राम को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। अब आपको बता दें कि इस बार 2020 के चुनाव से पहले जिस तरह से RJD को अपने हिसाब से तेजस्वी यादव ने ढाला है, उसमें वो पूरी तरह से अपना इन्फ्लुएंस चाहते थे। इसके लिए वो कई दौर की बैठकें लालू प्रसाद यादव से कर चुके हैं, और इसके साथ ही उन्होंने ऐसा सूत्रों ने बताया था कि वो चाहते थे कि पार्टी में कोई भी उनके फैसले पर उंगली न उठाए, वो अपने से फैसला ले जिसका कि बाद में जवाब मांगने पर वो दे सकें। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से परिवर्तन यात्रा के समय भी पोस्टर बैनर से सबको गायब कर अपना ही चेहरा दिखा रहे थे, उसने साफ कर दिया है कि अब अगर किसी की चलेगी पार्टी में तो वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आगे 2020 के चुनाव में किस तरह से अपनी नई टीम के साथ विरोधियों पर कहर बरपाते हैं, फतह करते हैं, या फिर लोकसभा चुनाव की तरह टाँह टाँह फिस हो जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। पर इतना जरूर है कि वर्तमान समय में तेजस्वी यादव ने अपना सिक्का अपनी पार्टी के अंदर जरूर जमा लिया है। बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी अब उनके अगल बगल में नज़र तो आते हैं, पर उन्हें बोलने का मौका शायद नहीं मिलेगा जैसा कि देखने को मिल रहा है। पार्टी पूरी तरह से लालू प्रसाद के बाद अब तेजस्वी यादव के हाथ में आ गई है, क्योंकि शहाबुद्दीन को निकालना और किसी के बस में नहीं था। जब लालू प्रसाद यादव नहीं निकाल पा रहे थे तो तेजस्वी यादव ने ये बड़ा दम दिखाया है, और इसका एक संदेश निश्चित रूप से उनके विरोधियों के पास जरूर जाएगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, और वो भी बिल्कुल ही मुफ्त। सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और उसके बाद जो बगल में बेल आइकॉन है उसे दबाते ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे, आपको सारी खबरें बिल्कुल मुफ्त फ्री में
जहां है वहीं प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाएगी।